इस वक्त कौन आया है? अरे तो बहुत अच्छे से पता है, कोई काम नहीं है इसको। अच्छा मैं तुम आ गई, एक सेकेंड। रिया, मंजू आंटी आई है, उनके लिए एक ग्लास पानी और थोड़ा सा नाश्ता भी ले आना। गप्पे लड़ाने आई है? कुछ घंटा गप्पे लड़ाने आई है, पता है बस खाना दबाने आ जाती है, इधर की उधर की चुगली करेंगी और फिर अच्छा मैं चलती हूँ कहती चली जाएगी। अभी क्या करूँ, मम्मी ने बोला है तो सर्विंग तो करनी ही पड़ेगी। सड़ी सी शक्ल देखनी पड़ेगी अभी ये मंजू आंटी की जो मौजू लेकर दिखती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, चलो खैर ले आई हो तो खा ही लेती हूँ। अरे आंटी आप तो नाटक करो ही मत, अभी अगर मैंने आपको खाना या पानी नहीं पूछा होता, जब बाजू वाली शर्मा इनके पास समोसे टूफने जाओगी तो क्या बोलोगी? पता है वर्मा जी की लड़की ने ना ना खाने का पूछा ना पानी का, बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए हैं इन लोगों ने। इससे अच्छा जितना मिला है ना उतना दबाओ और खुश रहो। कुछ भी बोलती है वो, क्या है ना हमारी रिया थोड़ी ओपन काइंड की है, मतलब एक्सट्रोवर्ट नेचर, थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट है वो तो दिख ही रहा है। वैसे हमारी रिया बहुत बड़ी हो गई है ना। तो आंटी आपको क्या लगता है मैं अभी भी दूध पीती बच्ची रहती? अरे मेरा छोड़ो खुद का देखो, कितने रिंकल्स आ गए यार आपके चेहरे पे, एंटी एजिंग क्रीम भी अभी काम नहीं देने वाली आपको, और आंटी सफेद बाल तो आपके कितने सारे। अरे 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 आंटी यहाँ से आप टकले हो रहे हो क्या? आंटी मेरी उम्र का छोड़ा ना खुद की उम्र को देखो पहले आप। चलो वो सब तो होता ही रहेगा। अच्छा वैसे रिया कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड है या नहीं है? बॉयफ्रेंड आंटी देखो मेरे टोटल 5 बॉयफ्रेंड है आंटी, और उसमें से जो चौथा वाला है ना वो तो आपका चिंटू है। हाँ हाँ आंटी चिंटू ही है। घर पे जाके चिंटू को देखूंगी अभी तो मैं। वैसे बेटा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कहाँ पड़ती हो, अभी के टाइम पे ना शादी कर लो, सेटल्ड रहोगी सेटल्ड। लो आंटी करवा लो मेरी शादी, आपको मेरी शादी की बड़ी पड़ी है, क्यों ना पड़ी हो, एनवेलप में बस 201 रुपए चिपका दोगी और फिर मुफ्त का 1000 रुपए का प्लेट खाने आ जाओगी, है ना। देखो आंटी मेरी मम्मी ने भी मुझे ना उतनी छूट दे रखी है कि भैया तुझे जिससे शादी करनी है जब शादी करनी है कर ले, आपको बड़ा इंटरेस्ट है मेरी शादी में। बहुत बड़ी होगी ना हमारी रिया, बहुत ज्यादा ओपन है, हर वक्त मुंह पे ही कचड़ा करती है मेरा। वो ना उसका ना बचपन से ही आदत है, सबके मुंह पे कचड़ा करती रहती है, बच्ची है इग्नोर इग्नोर। सीमा आजकल के बच्चों का तो हर वक्त फोन पे जब टाइम मिलता है टिक 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 चलता रहता है, सोशल मीडिया को तो ऐसे क्रेजी सवार है इन पे। कम से कम अपने काम से मतलब रखती हूँ। और सोशल मीडिया से याद आया आंटी, कल ही तो आपने फेसबुक पे एक फोटो डाली है ना। अरे मम्मी आंटी का प्रोफाइल चेक कर एक फोटो मिलेगी आपको, एक सेकेंड एक सेकेंड। कैप्शन में क्या लिखा है? मी हैविंग हैप्पी टाइम विद हैबी। आंटी पहली बात हैबी नहीं होता है, हब्बी होता है, आपके हस्बैंड HUBBY हब्बी, और ऊपर से आंटी इंग्लिश नहीं आती है तो क्यों इंग्लिश की धज्जियां उड़ा रही हो? बेटा सर देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं
मंजू अच्छी फोटो है, अच्छी फोटो है। आज तो कुछ मेरी ज्यादा ही बेइज्जती हो गई, अभी शर्माइन के घर पे जाके समोसे चूसती। अच्छा बेटा, अच्छा सीमा चलती हूँ, हाँ घर पे थोड़ा काम याद आ गया है, फिर कभी आके मिलती हूँ तुम लोगों से। काम याद आ गया, किसको उल्लू बना रही है मम्मी? देखो आंटी। अरे आंटी हमको भी पता है, सबको पता है, यहाँ पर कुछ काम वाम याद नहीं आया। बाजू के शर्माइन के पास आपको जाना है ना समोसे ठूसने, सब पता है। चलो चलो आप जाइए। नमस्ते आंटी, आप खुश हम खुश। घर पे काम? अच्छा ठीक है मंजू, कोई बात नहीं, ऐसे ही आते रहना, अच्छा लगता है। अच्छा आ गई रिया ने तो आज बहुत अच्छी क्लास ले दी इस मंजू की। मंजू मौंजलिका की उफ बला टली।